लोगों का भरपूर समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जहाँ भी जाते हैं जनता में उभार है। ये दौर राजनीतिक रूप से और मजबूत होगा, झाझा भी उसके साथ साथ मजबूत होगा, जमुई भी मजबूत होगा। चिराग भाई जब हम लोगों के समर्थन से जीत गए तब तो 5 बरस वो बोलते रहे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र के झाझा शहर में। झाझा रेल नगरी कहलाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं हमारे साथ जदयू के प्रत्याशी पूर्व मंत्री दामोदर रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, क्या कह रहे हैं सुनिए। कैसा चल रहा है? एकदम अच्छे चल रहा है, अच्छा तरह से चल रहा है और लोगों का भरपूर समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जहाँ भी जाते हैं जनता में उभार है, जनता उत्साहित है कि इस बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है और बिहार को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है। झाझा के गिद्धौर से आप हैं, गिद्धौर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर काफ़ी चर्चित रहा है, क्या इतिहास बनेगा इस बार? निश्चित रूप से गिद्धौर का इतिहास फिर दोहराएगा। आपको पता होगा कि जब बिहार का गठन हुआ 1912 में, तब से 1947 तक कोई न कोई व्यक्ति बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे गिद्धौर के। और फिर प्रताप सिंह से शुरू होकर दिग्विजय बाबू, उसके बाद हम, अब उनकी बेटी भी आ गई है, फिर इतिहास बनने वाला है और गिद्धौर राजनीतिक रूप से और मजबूत होगा, झाझा भी उसके साथ साथ मजबूत होगा, जमुई भी मजबूत होगा। देखा जा रहा है चुनाव प्रचार का अभियान अपने चरम पर है। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, आपके सहयोगी पहले रह चुके थे चिराग पासवान, उनके सभाओं में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, कैसा देखते हैं? देखिए, हम नहीं समझते हैं कि बहुत भीड़ जुट रही है। हम कल जिनहरा होके पास कर रहे थे तो 1.5-2 हज़ार आदमी था, और 1.5-2 हज़ार आदमी के समर्थन से कोई भी चुनाव नहीं जीत पा सकता है। और हम तो 1996 से इस क्षेत्र का चुनाव देख रहे हैं, लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं, हमने देखा है उनका चरम भी देखा है और डाउन फॉल करते हुए भी देखा है। अब तो डाउन फॉल में है, वो कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान इधर बार बार बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लगातार उनका बयान आ रहा है, किस रूप में ले रहे हैं इसको, कैसे जनता देख रही है? चिराग भाई जब हम लोगों के समर्थन से जीत गए तब तो 5 बरस वो बोलते रहें, लेकिन भविष्य में यही जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी और तब उनको पता चलेगा कि जनता में, कार्यकर्ताओं में पैठ बना के रखना जरूरी है या फिर हवाई काम करना। तो हम तो यही कहेंगे चिराग भाई को कि अभी भी मौका है, हम लोग को समर्थन दें और बिहार के तरक्की में आगे आएँ, जिससे बिहार जो आगे बढ़ रहा है उसमें रोड़ा बनने का काम नहीं करें। तो ये थे हमारे साथ झाझा से जदयू के प्रत्याशी दामोदर रावत जी, बता रहे थे कि चिराग पासवान अब भी समर्थन में आ जाएं और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर आपने YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें।